सेक्शन है मुख्तार स्टार्टिंग बिजनेस ऑन जनवरी 25, 2015 बाय इंट्रोड्यूसिंग कैश ऑफ 400,000. He also brings his personal car whose today's market value is 300,000 and bought some years ago at rupees 550,000. ठीक है, देखें अगर उसने 3 साल 5 साल 6 साल पहले खरीदी है गाड़ी, जितने में खरीदी है उससे तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं बनता ना टेक्निकली. हमारा ताल्लुक किससे बनता है कि उस गाड़ी ने, उसने गाड़ी जो है आज की वैल्यू क्या है, आपने इसको सिर्फ देखना है और इसके मुताबिक डिसाइड करना है. तो इसमें तीन हेड आ जाएंगे. पहला हेड आएगा कैश, फर्स्ट आपका आएगा कैश. कैश डेबिट होगा बाय 400,000 से. व्हीकल्स या कार, ये भी डेबिट होगा 300,000 से. और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 700,000 से. ठीक है, ये पहली एडजस्टमेंट मैंने करवा दी. अपने माइक ऑफ करते जाओ, माइक ऑफ करते जाओ. उसमें वालेकुम अस्सलाम. जी जनाब, तो दूसरी एडजस्टमेंट, दूसरी आप ट्रांजेक्शन देखिएगा. परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्नीचर शॉप रुपीज 70,000 टू बी यूज्ड इन बिजनेस ऑन जनवरी 27, 2015. जी बोलिए, अकाउंट हेड कौन से होंगे? फर्नीचर और अकाउंट पेएबल. फर्नीचर और अकाउंट पेएबल. अकाउंट्स पेएबल, अदर पेएबल, यानी इसके साथ इसका नाम जरूर लिखिएगा इस क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर या शॉप. ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है. एक फर्नीचर और डेबिट क्या होगा इसमें? फर्नीचर. फर्नीचर ठीक हो गया. और क्रेडिट होगा इसमें कैश. एम आई राइट? अकाउंट्स पेएबल. तो अकाउंट्स पेएबल क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि वो लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो जरा ध्यान से बैठना आज, बड़े ध्यान से, कहीं मैंने मिस्टेक कर देनी है और आपने पकड़ते रहना इस तरह. पेड वेजेस नंबर 3 टू कारपेंटर. अच्छा, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ ट्रांजैक्शन तो आप नोट डाउन कर रहे होते हो, अच्छी बात है, बिल्कुल करोगे आप. और अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आ रही कोई चीज़ तो मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ कि ये हेड क्यों आ रहे हैं. ठीक है, वालेकुम अस्सलाम जी. तो अब तीसरी एंट्री देखिएगा. तो पेड वेजेस टू कारपेंटर रुपीज 20,000 फॉर फिक्स्चर्स ऑन जनवरी 31, 2015. अच्छा, ये मैं जिससे पूछता हूँ जरा मुझे वही जवाब दे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा. ये हारून रशीद जी, हारून आप बताइएगा इसमें क्या क्या हेड आएंगे. सर आवाज नहीं आ रही. जी, आपको आवाज़ नहीं आ रही मेरी, चले कोई बात नहीं. शायान आपको आवाज़ आ रही मेरी? यस सर. अच्छा शायान, जरा इस ट्रांजेक्शन को बताइएगा, इसमें कौन कौन से आएंगे. पेड वेजेस टू कारपेंटर रुपीज 20,000 फॉर फिक्स्चर्स ऑन जनवरी 31, 2015. सर कैश और ठीक है, कैश और परचेजेस जी, वेजेस. वेजेस कह रहे हो आप? परचेजेस सर. परचेजेस नहीं, ये तो है ना, आप फिर पढ़ो. पेड वेजेस टू कारपेंटर रुपीज 20,000 फॉर फिक्स्चर्स ऑन जनवरी 31, 2015. कारपेंटर तो वो होता है ना जो ये फर्नीचर का काम करता है, बनाता है, उसको इंस्टॉल करता है. तो इसमें अकाउंट हेड कौन से नजर आ रहे हैं? ठीक है, इसके अंदर बजाय तो बड़े क्लियर हेड नजर आ रहे हैं. अगर मैं अब बात करूं एज अ स्टूडेंट बात करूं तो बड़ा क्लियर है, एक वेजेस और एक कैश. लेकिन जब मैं वेजेस और कैश लिखता हूं तो गलत हो जाता है.
फिक्स्चर्स लायबिलिटी नहीं। देखो कैश तो ठीक है ना, पेड का वर्ड है, जहां वर्ड पेड आ जाए तो उसमें तो दो राय होती नहीं है, उसको मैं क्यों सोचूं कि ये पेबल है। वर्ड पेड जब लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि आपने ये पे कर दिया, तो कैश आएगा ही आएगा। प्रॉब्लम वेजेस की है, यहां दूसरा हेड जो है वो वेजेस नहीं है। देखो मैंने अकाउंटिंग में इंटेंशन सर इक्विटी आएगा जी, सर इक्विटी होगा, इक्विटी नहीं फर्नीचर आएगा। देखिए तो आपका नहीं, अगेन आप आगे चले गए एलिमेंट तक, तो भी तो हम हेड ऑफ अकाउंट पे है ना, हेड ऑफ अकाउंट की तरफ बात करेंगे। फिक्स्चर जाएगा सर, कैपिटल बिल्कुल फिक्स्चर आएगा। देखिए अब मैं आपको इसकी रीजन बताता हूँ, लिखने से पहले जरा बताइए। मैं एक और चीज आपको समझाता हूँ, जब कोई आप कोई भी नॉन करंट एसेट बाय करते हो, कोई भी नॉन करंट एसेट, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं इस एयर कंडीशनर की, ये स्प्लिट एसी की, आप बिल्कुल न्यू पैक लेकर आते हो, जब लेकर आओगे क्या उस पर कोई एक्सपेंस होगा आपका? लाने का खर्चा भी तो होगा ना, बिल्कुल होगा। फिर इसको इंस्टॉल करना है, क्योंकि बगैर इंस्टॉल किए तो फायदा कोई नहीं लगाने का, ठीक है? हालांकि वो वर्किंग कंडीशन में है, नया है, फिर भी काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा जी? बिल्कुल, जब तक के ये हम इसको प्रॉपरली इंस्टॉल, तो क्या इंस्टॉलेशन पे कॉस्ट नहीं आएगी? आई। अब सुनिए, जब भी कोई नॉन करंट एसेट आप खरीदते हैं, उस पर कोई भी एक्सपेंस करें, समझ गया ना, चाहे वो वेजीज हो कुछ भी हो, एक्सपेंस करें, जब तक के वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में ना आ जाए, उस वक्त तक जो भी एक्सपेंस होता है वो उसी एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है, ठीक है? इसको अब आप एक्सपेंस नहीं कहूंगा, इसको एक्सपेंडिचर कहूंगा, ये एक्सपेंडिचर बन गया लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो इसलिए इसका दूसरा हेड जो है वो एसेट है जिसपे आप लगा रहे हो, फिक्स्चर्स, जिसको फर्नीचर एंड फिक्स्चर का हेड यूज करते हैं, फर्नीचर एंड फिक्स्चर, ठीक है जी? अच्छा, अब फर्नीचर और फिक्स्चर क्या होता है? अब देखो, जब फर्नीचर लेकर आए हो तो फर्नीचर को कई दफा फिट भी करना पड़ता है ना। अब फर्नीचर का आपके जहन में फौरन चेयर टेबल आएगा, जरूरी नहीं है टेबल चेयर हो, फर्नीचर इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग, एलमिराज भी हो सकती है, ठीक है, वो कुछ आपकी फिक्स होने वाली चीजें भी हो सकती हैं, बहुत सी चीजें हो सकती हैं, तो वो तो अभी आप लेकर आए, उसके बाद फिर आपने कारपेंटर को बुलाया कि यार इसको सेट कर दो, तो उस पर उसने 20,000 दिया, तो वो उसी की फिक्स्चर की कॉस्ट में जाएगा। हेड एक लिखा जाता है फर्नीचर एंड फिक्स्चर। अब याद रखिए, यार फर्नीचर और फिक्स्चर क्या होगा? डेबिट, इंक्रीज हो रही है ना वैल्यू, जब मैं पैसा लगाऊंगा उसकी वैल्यू बढ़ रही है, और कैश आपसे बिजनेस से आउट हो रहा है, क्रेडिट डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो रहा है तो आप उसको क्रेडिट करो, ठीक है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अच्छा जी नेक्स्ट बताइएगा। अब जिससे सवाल करूं उस वही मुझे जवाब देगा। नंबर 4, पेड सैलरीज टू स्टाफ ₹20,000 ऑन January 31, 2015, आपने ₹20,000 की सैलरीज पे की हैं जी, अक्सा इरफान जवाब दीजिएगा। सर ये आप कहां से करवा रहे हैं? मैंने अभी ज्वाइन किए। आप कल क्लास में थी? यस सर। परसों क्लास में? बी लॉ, बिजनेस लॉ की क्लास हो रही थी ना, तो उन्होंने अभी हमें छोड़ा। नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, बड़ा मासूमाना सवाल कर रहा हूँ कि आप आज पहला दिन है क्लास में या पहले आती रही हैं? नहीं, पहले आती रही हैं, तो फिर आपको पता होगा ना, मैंने असाइनमेंट दी थी कल, होमवर्क भी दिया हुआ ना, उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, मैं असाइनमेंट खोल लेती हूँ। खोल, कोई बात नहीं। चले मीनवाइल मैं किसी और से सवाल कर लेता हूँ, अगला क्वेश्चन आपसे कर लूंगा जी। कंजा जावेद आप जवाब दीजिएगा इसी का। पेड बेची सर? जी जी, शाबाश बेटा। सर एक कैश होगा जी, ठीक है सर। सैलरीज जी? गुड, एक आपका सैलरीज होगा, सैलरीज एक्सपेंस, उसको आप डेबिट कर दोगे, और एक कैश होगा और ये क्रेडिट होगा।
ठीक है नंबर फाइव सैलरीज होगा या एक्सपेंस होगा सैलरीज एक्सपेंस ही तो होता है भाई तो सर कैश हेड एक्सपेंस लिखेंगे या सैलरी लिखेंगे ठीक है हम सैलरीज के साथ एक्सपेंस ना भी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है अब जरा एक चीज सुनिएगा कुछ ऐसे होते हैं आपके हेड ऑफ अकाउंट्स जो इनकम भी हो सकते हैं और एक्सपेंस भी मिसाल के तौर पे आप कमीशन का वर्ड जब लिखते हो तो कमीशन दो किस्म की बाज़ुकात हम कमीशन देते हैं सम टाइम हमें भी कमीशन मिल सकती है बिजनेस तो ये दोनों हो सकते हैं तो कुछ आपके होते हैं फिर इसी तरह डिस्काउंट अब मैं सिर्फ डिस्काउंट का वर्ड यूज करूंगा तो समझ तो नहीं आएगी ना डिस्काउंट भी दो किस्म के होते हैं एक वो डिस्काउंट है जो दिया जाता है जिसको डिस्काउंट अलाउड कहते हैं एक वो है जो डिस्काउंट लेंगे हम डिस्काउंट रिसीव तो वो तमाम हेड्स जिनके साथ जिनके एक्सपेंस भी हो सकता है इनकम भी हो सकती है उसके साथ एक्सपेंस लगाना जरूरी है अगेन तीसरी एग्जाम्पल दे रहा हूं इंटरेस्ट इंटरेस्ट इनकम भी हो सकती है इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हो सकता है उसके साथ लगाना जरूरी है सैलरीज के साथ नहीं भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप समझ गए मेरी बात जी जनाब तो अगली ट्रांजैक्शन आइएगा सैलरीज के बाद टेकन लोन ऑफ 200,000 एट 15% पर एनम इंटरेस्ट फ्रॉम हबीब बैंक लिमिटेड ऑन फरवरी 1, 2015 जी फरहान तारिक सर इसका कैश होगा ठीक है कैश हो गया और अकाउंट्स रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल अच्छा कैश पहले तो मुझे बताओ कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है डेबिट करोगे या क्रेडिट डेबिट डेबिट करोगे क्योंकि आपने लोन लिया है और जब लोन लेते हो तो कैश बिजनेस में आता है इंक्रीज होता है इंक्रीज इन एसेट क्या होता है डेबिट ठीक हो गया ये आपका ठीक है लेकिन दूसरी तरफ जो अमाउंट आप ले चुके हो वो वापस करनी है या आपने दोबारा लेनी है वापस करनी है ना तो फिर आपने रिसीवेबल का वर्ड जो यूज किया वो गलत हो गया ठीक हो गया मेरी बात समझ रहे हो ना मैं इसलिए आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपका नाम लेकर ताकि जो कंफ्यूजन है आपके माइंड में वो दूर हो जाए ठीक है फरहान समझ रहे हो ना मेरी बात कि अब अगर आप ने पैसे ले लिए उससे तो लिए क्यों हैं लोन है वापस करने हैं तो फिर रिसीवेबल तो जस्टिफाई नहीं होता ना तो इसका दूसरा हेड होता है बैंक लोन अच्छा इसको मैं पेएबल भी नहीं लिख सकता ट्रेड पेएबल क्यों पेएबल सिर्फ और सिर्फ अकाउंट पेएबल किसके लिए होते हैं जी अकाउंट्स पेएबल सिर्फ परचेज के अगेंस्ट होते हैं ना सिर्फ परचेज के अगेंस्ट ये तो कैश में लोन ले रहा हूं तो प्लीज इसके दो हेड लिखिएगा एक लिखिएगा इसका जी मैंने क्या बोला था कैश लोन जी कैश आपका और कैश आपका डेबिट हो जाएगा क्यों डेबिट होगा क्योंकि कैश आपने बिजनेस में आया है इंक्रीज हुआ है और दूसरी तरफ लोन हमारी बैंक लोन पूरा हेड लिखिएगा बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी होगी बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी होगी ठीक हो गया और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है बिजनेस की और इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट करेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 6 जी तो मैं पहले नाम बोल देता हूं ताकि वो ध्यान से सुन लें खुर्रम बट जरा आप जरा सुनिएगा गौर से टेकन लोन ऑफ सॉरी पेड फॉर परचेज ऑफ एयर कंडीशनर फॉर रुपीज 110,000 ऑन फरवरी 6, 2015 इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ ₹10,000 बताइए कौन कौन से अकाउंट हेड्स होंगे जी खुर्रम सोए हुए हो या आवाज नहीं आ रही या आवाज जा रही नहीं है क्या मसले मसाइल है
जी खुर्रम की आवाज़ नहीं आ रही और ये बोल नहीं रहा, जो स्टूडेंट नहीं बोलेगा मैं उसको यहाँ से लेफ्ट कर रहा हूँ, मैं क्लास में अलाउ ही नहीं करूँगा, ये रिमूव कर दिया मैंने। जाए नेक्स्ट आएंगे, मलिक एहसन रफीक मुझे बताओ तो सही गलत बोल रहे हो, आगे जबान तो खोलो। हाँ जी मलिक एहसन। यस सर बोलिए। परचेज्ड एयर कंडीशनर फॉर रुपीज 110,000 ऑन फरवरी 6, 2015 इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ रुपीज 10,000। सर एक कैश होगा इसे? ठीक हो गया, कैश हो गया बिल्कुल। और फिक्स्चर्स? और फिक्स्चर्स, अच्छा ये जो एयर कंडीशनर है ना इसके लिए हम एक स्पेसिफिक हेड यूज करते हैं, सिर्फ एयर कंडीशनर के लिए नहीं, ये जितनी भी ऐसी चीजें हैं इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंस, इलेक्ट्रिक अप्लायंस, इलेक्ट्रिक अप्लायंस में सारा कुछ आ गया। अदरवाइज ये भी गलत नहीं है, एयर कंडीशनर का भी हेड बनाओगे ठीक है, लेकिन भाई ये याद रखिएगा एयर कंडीशनर के अलावा फिर ये फैंस का अलग हेड बनाओगे, लाइट्स का अलग हेड बनाओगे, इस तरह कई चीज़ें होती हैं, क्या सबके अलग हेड बनाओगे? नॉट पॉसिबल। अब जैसे फर्नीचर जब आप बनाते हो तो क्या फर्नीचर में चेयर का अलग हेड होता है? नहीं ना होता, उसमें टेबल भी है, चेयर भी है, अलमीरा भी, बेशुमार चीज़ें आ जाएंगी। इसी तरह जब आप ये लिखते हो ना इलेक्ट्रिक अप्लायंस तो इसके अंदर सब कुछ कवर हो जाता है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट भी इसमें कवर होता है, इवन कई जगह इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट भी लिखा होता है, इट्स ओके वो भी लिख सकते हो। तो एक तो हेड मैंने आपको करेक्ट करवा दिया, करेक्ट नहीं वो भी ठीक है, मैंने उसके में गलत नहीं किया, लेकिन फर्नीचर नहीं है वो जो आपने बोला ना, ठीक है। एक हेड आपका आ गया जी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, दूसरा आपने बोला कैश, ठीक है जी। अब आप बताइए कि मलिक एहसन क्या इसमें कैश डेबिट होगा या क्रेडिट? जी एहसन आवाज आ रही? सर इसमें क्रेडिट होगा जी, कैश क्रेडिट होगा, और बिल्कुल ठीक है कैश क्रेडिट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक अप्लायंस डेबिट हो जाएगी, यकीनी बात है क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है। तो बताइए अमाउंट कितनी लूँ ये भी बता दीजिएगा। जी क्या मतलब सर? अमाउंट मैंने पूछा कि कितनी लेंगे इस ट्रांजैक्शन में हम, 110,000 यस, क्योंकि इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है, उसको दोबारा नहीं इंक्लूड कर देना। तो और हमने अभी पढ़ा भी है, अभी मैंने बताया कि वो इंक्लूड होनी चाहिए, तो इसलिए वो ऑलरेडी शामिल है, तो डेबिट भी 110 से होगा और क्रेडिट भी 110। आज क्या हुआ वो आप लोगों को, कुछ लूज लग रहे हो, बड़े दिमागी तौर पे थके हुए लग रहे हो, क्या वजह? नंबर 7 जी, परचेस्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश रुपीज 200,000 ऑन फरवरी 7, 2015 आपने गुड्स खरीदी हैं कैश पर, 250,000 मर्चेंडाइज आपने बाय की हैं, तो मारिया मसूद जरा जवाब दीजिएगा इसमें कौन से हेड्स हैं? सर कैश, कैश और दूसरा अकाउंट पेएबल। अकाउंट्स पेएबल ट्रांजैक्शन एक दफा फिर जरा गौर से पढ़ लो, कोई बात नहीं गलत हो गया तो कोई मसला नहीं, एक दफा फिर पढ़ो शायद समझ में आ जाए। परचेस्ड सर, परचेस्ड जी, एक हेड परचेस होगा क्योंकि मर्चेंडाइज है और मर्चेंडाइज और गुड्स एक ही चीज होती है, मैंने कहा था ये सिर्फ वर्ड रिप्लेस होता है। एक परचेस अकाउंट होगा और एक कैश अकाउंट होगा। अब परचेस क्या होगी, डेबिट या क्रेडिट? सर हम परचेस कर रहे हैं ना तो बिजनेस में आ रही है तो वो डेबिट, डेबिट होगा गुड, और कैश क्रेडिट होगा। अमाउंट आपके सामने लिखी हुई है 200,000 गुड, उससे आगे चलिए। जी जी सर, इधर इन्वेंटरी नहीं लिख सकते हम? लिख सकते हैं क्योंकि मर्चेंडाइज आपने कहा था, मर्चेंडाइज और गुड्स आ रही है बिजनेस में तो वो इन्वेंटरी हो रही है क्योंकि इंटेंशन रीसेल की है। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके सर, इन्वेंटरी भी लिख सकते हो, परचेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा,
नंबर सेवन हो गई जी। नंबर एट पेड यूटिलिटी बिल्स रुपीज 10,000 ऑन फरवरी 8 2015 जी। मोहम्मद अनस अगला नाम आ रहा है मेरे सामने। पेड यूटिलिटी बिल ऑफ 10,000 फरवरी 8। यस सर, यस सर। अकाउंट हेड्स सर कैश, ठीक है। सर एक्सपेंस, एक्सपेंस तो एलिमेंट हो जाएगा ना, एक्सपेंस का हेड ऑफ अकाउंट क्या होगा? शाबाश, यूटिलिटी एक्सपेंस, ठीक है। ठीक सर, बिल पे किया जी जी एग्जैक्टली। आपका जो हेड है ना वो आएगा एक यूटिलिटी एक्सपेंस, और ये क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? सर कैश जा रहा है हमारा, तो सर क्रेडिट होगा, ये कैश क्रेडिट होगा, ठीक है। सर दूसरा डेबिट होगा, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। यूटिलिटी एक्सपेंस को आप डेबिट करोगे और कैश को क्रेडिट, बड़ा आसान तरीका होता है जी जी। सर हम इधर इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी देखो, अगर यहाँ यूटिलिटी बिल्स लिखा हुआ है ना तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज करना प्लीज, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है तो आप यूटिलिटी यूज कर सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि जब यूटिलिटी की बात आती है ना, यूटिलिटी में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, गैस भी होता है। अब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने मेंशन तो नहीं किया हुआ, लेकिन अगर आप लिख देते हो, अगर एंट्री में लिखता है यूटिलिटी बिल्स की बजाय सॉरी इलेक्ट्रिसिटी बिल, और आप हेड ऑफ अकाउंट यूज करते हो यूटिलिटी, तो ये गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप यूटिलिटी भी यूज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ पार्ट ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। लेकिन अगर उसने यूटिलिटी लिखा हुआ है और मैं इलेक्ट्रिसिटी ले रहा हूं और मैं कह रहा हूं उसका पार्ट है, बिल्कुल है, मुझे क्या पता उसमें इलेक्ट्रिसिटी पे हुआ या नहीं हुआ अभी, ठीक है। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना, यूटिलिटी ब्रॉडर सेंस में लिया जाता है, इसको यूटिलिटी ही रहने दोगे। अच्छा जी, नंबर नाइन, नंबर नाइन पेड फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ गेस्ट्स रुपीज 20,000 ड्यूरिंग इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ बिजनेस ऑन फरवरी 10, 2015 जी। यहां पर अब इधर जो बैठे हो उनसे पूछ लेता हूं जी, आप बताइए। हाँ जी, एक कैश आएगा बिजनेस अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट होगा? बिजनेस तो एक नेचर है ना, बिजनेस तो कोई अकाउंट तो नहीं है, क्या ख्याल है जी? और कोई? हाँ जी, वो भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस में भी डाल सकते हैं, ठीक है। आप इसके इसके इनॉग्रेशन एक्सपेंस भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बेहतर है इसको रिफ्रेशमेंट डाल दो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। तो रिफ्रेशमेंट या एंटरटेनमेंट एक्सपेंस आएगा, डेबिट हो जाएगा, ये एक्सपेंस है, और कैश क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से, डेबिट भी 20 और क्रेडिट भी 20,000। लीजिए अब जरा कुछ मैं जरा पूछता हूं किसी और स्टूडेंट से, ये एंट्री बड़ी अच्छी है जी। शुरू से चलते अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला आप बताइएगा, ये एंट्री पढ़िएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम जमाल सन्स वर्थ रुपीज 80,000 सब्जेक्ट टू 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये कल मैंने करवाया था ना डिस्काउंट, के नहीं करवाया था आप लोगों? करवाया था सर, करवाया था, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट ऑन फरवरी 12, 2015। बोलिए इस पे कौन से हेड आएंगे? अब्दुल्ला आवाज नहीं आ रही आपकी, चलो अब्दुल्ला के मुझे माइक में प्रॉब्लम लगती है, अब म्यूट कर दे। अच्छा जी, आसमान नदीम आप बताइए। सर कैश और परचेस्ड, ठीक है, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट
चले मैम आपकी बात को सेकंड करता हूं, परचेज आपने कहा और कैश कहा, लेकिन यहां पर अगर गौर से देखो तो हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आपने वो लिख रहा परचेज गुड्स फ्रॉम जमाल सन्स, नाम आ गया वर्थ रुपीज 80,000 सब्जेक्ट टू 10% डिस्काउंट ऑन फरवरी 12, तो कहीं कैश का जिक्र है नहीं, तो फिर कैश तो नहीं आ सकता, तो फिर इसकी जगह क्या आएगा, अकाउंट्स पेएबल, पेएबल, ठीक है। अच्छा अब सवाल ये है कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा ये भी बता दो। एक्सक्यूज मी सर, जी सर डिस्काउंट अलाउड नहीं आ सकता इधर, ये ट्रेड डिस्काउंट है, कल का लेक्चर आपने लिया था एक क्लास में, तो उस वक्त हमने पढ़ा था ना कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो हम अकाउंट्स में शो नहीं करते, कहीं पर नजर नहीं आएगा अबाउट डिस्काउंट, बल्कि अमाउंट में से लेस करके लिखेंगे। ओके सर, जब अभी अमाउंट लिखेंगे ना आप देखिएगा उसमें डिस्काउंट नजर आएगा आपको, सही सर बिल्कुल आएगा, ठीक है। हाँ अच्छा जी, अब ये आपने गुड्स खरीदी, ये डेबिट क्या होगा, यकीनन परचेस गुड्स आ रही है ना, और क्रेडिट क्या होगा, अकाउंट्स पे लाइबिलिटी है। अब देखें अमाउंट कितनी देनी, ये 80,000 है, वर्थ रुपीज 80,000, आगे क्या वर्ड है, सब्जेक्ट टू 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये जो वर्ड सब्जेक्ट टू लगा होता है लॉ में अकाउंटिंग में, इसका मतलब ये होता है कि इसमें अभी ये एडजस्टमेंट नहीं हुई, हमें करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट टू 10% डिस्काउंट, यानी इट मीन्स कि ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट तो हम अकाउंट्स में शो नहीं करते ना, लेकिन मैंने ये बताया था कि अमाउंट में उसको लेकर आना है, यानी अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 80,000 की गुड्स खरीदी हैं, बल्कि कितने की खरीदी हैं गुड्स मैंने, 72,000 जी, गुड 72,000 जी जी सर, इधर हम कैश क्यों नहीं लिख सकते, कैश क्यों नहीं लिख सकते, देखिए मैंने आपको पहले दिन से जो ट्रांजैक्शन करवा रहा था तो आपको कुछ मैंने टिप्स देना शुरू की थी, हर ट्रांजैक्शन में कोई ना कोई बात समझाया करता था, और वो सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी थी कि आप लोग नोट करते, मुझे नहीं मालूम आपने कितना नोट किया। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी ट्रांजैक्शन में सिर्फ नेम आ जाए वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है वहाँ, लेकिन अगर नेम के साथ साथ उस फॉर कैश का वर्ड आ जाए तो फिर ये कैश आएगा। यहाँ पूरी ट्रांजैक्शन में पढ़िएगा तो कहीं नहीं लिखा हुआ फॉर कैश, कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है, इस वजह से हम इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन लेंगे। ओके जी, सब्जेक्ट टू का मतलब ये है कि इस पर अभी 10% आपने डिस्काउंट लेस करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपका 80,000 की परचेज थी, उसे 8,000 आपको छोड़ दिए, सिंपल वर्ड्स कम कर दिए, 72,000 जो है वो अब आपने की गुड्स परचेज की, तो 70,000 और वापस भी आपने 72 करने हैं पेएबल के तौर पे, तो 72,000 से ये डेबिट होगी और 72,000 से मैं इसे क्रेडिट कर। ओके जी, अब 11 ट्रांजेक्शन देखिएगा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 60,000 ऑन फरवरी 15, 2015, ये तो बहुत ही आसान है, बोलिए कैश सर, कैश और सेल, कैश और सेल, कैश और सेल्स, अच्छा पहले डेबिट होगा जी, सेल्स क्रेडिट होगा, ठीक है, और कैश डेबिट होगा, तो कैश आ रहा है ना मेरे पास बिजनेस में, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। अब अमाउंट कितनी है, जो जितनी दी हुई है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 60,000। ठीक है जी, उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 12, सोल्ड गुड्स टू ए बी खान रुपीज 40,000 ऑन फरवरी 17, 2015, आपने ए बी खान को गुड्स सेल की हैं 40,000 में 17 फरवरी को जी, आप कौन से अकाउंट हेड आएंगे, और सेल्स, ठीक है ना, तकरीबन वही हेड है जो पहले है, वही ट्रांजेक्शन है, सिर्फ कैश की जगह क्या आ जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स,
बताओ डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा? अकाउंट रिसीवेबल्स डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगी और सेल्स क्रेडिट करेंगे। अमाउंट कितनी है वो क्वेश्चन में दी हुई है, एपी खान 40,000। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये जो मैं करवा रहा हूँ आपको असाइनमेंट, ये हमारी साथ साथ चलती रहेगी। ये काफी लंबा प्रोसेस है, ये 50 ट्रांजैक्शन है, ये और एंड तक लेके जाना है मैंने इसको, इसको जाया नहीं करना और इसको आगे स्लो चलना है, क्योंकि साथ साथ मैंने दूसरे भी चीजें करवानी है, तो इसी पे नहीं रहना, लेकिन ये साथ साथ चलेगी। जो जो चीज कराऊंगा वो इसी एग्जाम्पल पे अप्लाई करवाता जाऊं, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, लोन ऑफ रुपीज 13 नंबर 50,000 वॉज गिवन टू हिज फ्रेंड ऑन फेब्रुअरी 2015। जी, लोन आपने दिया है अपने फ्रेंड को और लोन दिया आपने 40। अकाउंट रिसीवेबल एंड कैश सर। जी बोलिए। ड्राइंग एंड कैश। अकाउंट रिसीवेबल एंड कैश, अगर लोन टू फ्रेंड और कैश। लोन एंड कैश, लोन टू फ्रेंड एंड कैश। यस सर, लोन टू फ्रेंड एंड कैश। देखो, इसके अंदर पहली बात तो ये है कि रिसीवेबल नहीं आएगा, लोन टू फ्रेंड आएगा। लोन टू फ्रेंड, ठीक है जी। और जैसे एक स्टूडेंट ने ड्राइंग्स का वर्ड यूज किया, और ये मैं गारंटी से कहता हूं कि कॉमर्स पाकिस्तानी किताब में पढ़ा हुआ है, पाकिस्तानी किताबों में उसकी इस एंट्री को ड्राइंग्स लिखते हैं, ठीक है। ये ड्राइंग्स नहीं है, ये लोन टू फ्रेंड है। और कैश, लोन दे रहे हो ना कैश। अब लोन टू फ्रेंड एसेट है, असल में तो रिसीवेबल अमाउंट है, एसेट है। एसेट बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज इन एसेट डेबिट हो। और कैश क्रेडिट, हाँ मैं लोन दे रहा हूं ना, तो कैश दे रहा हूं उसको, कैश एसेट है, इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, इसको मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। अमाउंट देख लीजिएगा क्या है, अमाउंट है इसकी 50,000। ये नेक्स्ट नंबर 14, ये ट्रांजैक्शन बड़ी जबरदस्त ट्रांजैक्शन है। Goods worth rupees 7,000 were distributed as free samples on February 22, 2015. 7,000 worth की goods आपने free samples के तौर पर दी। Sir, cash and purchases. Marketing expense. Sir, marketing expense and purchases. Purchases नहीं। जी मूसा बोलिए, आप कुछ कह रहे? सर मार्केटिंग एक्सपेंस होगी एक तो। जी बिल्कुल ठीक है, मार्केटिंग भी लिख सकते हो, एब्सोल्युटली आप इसको मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी कह लो, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस कह लो, कई वर्ड यूज कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए चले आज नया वर्ड भी यूज कर लेता हूँ, सेल्स प्रमोशन। क्योंकि देखो आप फ्री सैंपलिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसे तो कोई नहीं फ्री में बांटता ना, कोई मकसद है उसके पीछे, इज अ बिजनेस टैक्टिक्स, ठीक है। तो वो सेल्स प्रमोट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, सेल्स प्रमोशन एक हेड हो गया और दूसरा हेड परचेज दे रहा ना, तो परचेजेस, ये तो हमने डिस्कस भी कहीं ना कहीं किया था। तो सेल्स प्रमोशन जो है वो हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस डेबिट होगा, और परचेजेस एक्चुअली गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, गुड्स बिजनेस से जा रही है तो क्रेडिट, ठीक है। और ये कितनी अमाउंट है, 7,000, 7,000 आप यहां लिख दोगे, अच्छा जी। नेक्स्ट आइएगा 15, पेड सैलरीज टू स्टाफ रुपीज 22,000 ऑन February 28। ये एंट्री रिपीट हुई है, अच्छा अब ये रिपीट होंगी एंट्रियां, क्योंकि मेरा यह मकसद एंट्री इसलिए ज्यादा करवाना है कि मैंने इसमें बहुत कुछ आगे करवाना है, तो अगर एंट्री रिपीट होगी तो वो देख सकूंगा, अदरवाइज फायदा कोई नहीं है। इसलिए एंट्री ये क्या करोगे इसका, आज ही पढ़ा सैलरीज एंड कैश, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 15 तक हो गई,
अच्छा जी 16 से ऑनवर्ड जो ट्रांजैक्शन है इसको अभी छोड़िए, आज 15 मैंने करवाई है, मैं साथ कुछ एक दो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जरूर करवाने हैं मैंने। फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन को दोबारा डिस्कस कर दीजिएगा। फर्स्ट वाली ओके। तो अगली आपने सिर्फ 10 और करनी है, ज्यादा नहीं मैं कह रहा, वैसे तो कर चुके हो गए आप लोग माशाल्लाह, आप तो अगली भी 50 कर चुके हो गए मेरे ख्याल में, जीनियस बच्चे, लेकिन मैं तो जरा स्लो लेके चल रहा ना अपने हिसाब से, मैं भी स्लो लर्नर हूँ। तो मुख्तार स्टार्टेड बिजनेस इसकी ऑन जनवरी 25, 2015 बाय इंट्रोड्यूसिंग कैश ऑफ 400,000। मुख्तार ने 4 लाख रुपए बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया और बिजनेस स्टार्ट किया, यानी वो इन अदर वर्ड्स में कह सकता हूँ वो 4 लाख रुपए बिजनेस में लेकर आ रहा है। ही आल्सो ब्रिंग्स, आल्सो का वर्ड ये शो कर रहा है, ये भी लेकर आ रहा है हिज पर्सनल कार हूज टुडेज मार्केट वैल्यू इज 300,000 एंड बॉट सम इयर्स अगो एट 550,000। कितने सालों पहले खरीदी कोई पता नहीं है, लेकिन जब खरीदी वो उस डेट की बात है, आज की डेट की वैल्यू क्या है 300। अब मैं कह सकता हूं कि मुख्तार जो है वो कैश भी बिजनेस में लेकर आ रहा है और पर्सनल कार भी बिजनेस में लेकर आ रहा है, दो चीजें लेकर आ रहा है। अब पर्सनल नहीं रही है, अब जब बिजनेस में आ गई तो वो बिजनेस की हो गई, अब उसकी जाति नहीं रही, तो ये दोनों कैपिटल है। हमने कैपिटल की डेफिनेशन में पढ़ा भी था, एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय ऑनर इनटू हिज ऑन बिजनेस, ठीक है, जो अपने बिजनेस में लगाएगा वो इसमें शामिल होगा। ठीक हो गया जी, यहां तक आगे चलिए। अब मैंने कुछ रोज के ना साथ साथ एक एक दो दो कॉन्सेप्ट जरूर करवाने हैं, बहुत जरूरी है, साथ साथ थ्योरी चलती है वो भी चलानी है आपने। सर एक तो कैपिटल हो गया सर, और सेकंड सर वो जो लाया है वो लायबल टू ऑनर होगा जी। एक कैश होगा, कैश डेबिट करोगे 400,000 से, दूसरा हेड होगा इसमें मोटर व्हीकल्स या कार कह लो, वो आपका 300,000 से डेबिट होगा और कैपिटल 700,000 से क्रेडिट होगा। कंपाउंड एंट्री का कॉन्सेप्ट कल समझाया था ना आपको, ये कंपाउंड एंट्री है, यानी ऐसी एंट्री जिसके अंदर एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट हो, लेकिन द सम ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ क्रेडिट, ये चीज ध्यान में रख, ठीक है। अच्छा जी, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मैंने कुछ करवाए थे क्लास में आपको कि नहीं करवाए, कितने करवाए हुए हैं सर? बिजनेस एंटिटी हो गया सर, दो करवाए, दो करवाए, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअलिटी एंड बिजनेस एंटिटी वाला, दो ही हुए ना, ठीक है। आज लिखिएगा तीसरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। लिखिए ओनली दोज ट्रांजैक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, कैन बी रिकॉर्डेड इन बुक्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस शेल बी रिकॉर्डेड, ये ट्रांजेक्शन बिजनेस वाली बात कर रहा हूं, यानी ओनली दोज बिजनेस ट्रांजेक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। अगर एक ऐसी ट्रांजेक्शन आप करते हो, बिजनेस की ट्रांजेक्शन करते हो जिसको मनी में मेजर नहीं किया जा सकता, उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। मिसाल के तौर पर आपके एक पेरेंट कंपनी है, ठीक है, या आपकी सिस्टर कंसर्न है, उसने आपको एक नई इक्विपमेंट भेजा ऑफिस के लिए, ऑफिस यूज के लिए एक इक्विपमेंट भेजा, और वैसा इक्विपमेंट है लाइक जैसे ज़ूम कर लेते कॉफी मेकर है, खैर वो तो मार्केट में है लेकिन वो डिफरेंट टाइप का, चलो ज़ूम कर लेते। अच्छा, अब उसको आपने रिकॉर्ड किया, आपने कोई पैसे तो नहीं दिए लेकिन आपका एसेट तो है ना, क्या एसेट रिकॉर्ड होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए,
जब मेरा एसेट है, मेरी कंपनी का एसेट है, तो मुझे रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? अगर आप इसको मनी में मेजर कर सकते हो फिर रिकॉर्ड करोगे ना इसके। अब मार्केट में वैल्यू नहीं मिलती इसकी, क्योंकि इट्स अ यूनिक नेचर, तो अलाजा ऐसी ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इवन एसेट की डेफिनेशन में भी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, दो चीजें, इट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट शैल इनफ्लो टू द एंटिटी, नंबर टू क्या पढ़ा था, इट्स कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, या तो वो भी रिलायबली मेजर नहीं हो रही, तो इसलिए उसको एसेट को रिकग्नाइज नहीं करेंगे। नंबर फोर लिखिए, अक्रूअल कॉन्सेप्ट। द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस shall be recorded in the year, in the accounting year, yeah, year to which it relates, irrespective of paid or received or not। ये पूरी जरा कहानी समझनी बहुत जरूरी है। कुछ एक्सपेंसेस या इनकम ऐसी होते हैं जो उस जिस साल से रिलेट कर रहे हैं उस साल में पे नहीं किए होते, पे पिछले साल में होंगे या अगले साल में होंगे। मिसाल के तौर पे आप अकाउंट बना रहे हो 2019 ईयर का, 2019 यकम जनवरी को शुरू हुआ, 5 जनवरी को आपने सैलरीज पे की, 5 जनवरी को जो सैलरीज पे कर रहे हो वो कौन सी सैलरीज हैं मुझे बताइए। यस, वो किसकी है? दिसंबर 2018 की। आप गौर से देखिए ये रिलेट किससे कर रहे हैं, 2018 पे कब हो रहे हैं, 2019, तो यकीन नहीं पाते जब पे हो रहे हैं तभी रिकॉर्ड करूंगा ना। तो मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है, यानी ये अक्रूअल ये कहता है कि नहीं, इस एक्सपेंस को 2019 की बजाय 2018 में रिकॉर्ड करोगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो पूरा मैकेनिज्म, वो पूरा चैप्टर है हमारा अक्रूअल एंड प्री पेमेंट्स। तो लिहाजा सिंपल सी लॉजिक है, जो उनका एक्सपेंस जिस साल से रिलेट कर रहा है उस साल में आना चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि वो किस साल में पे हुआ है, कोई मसला नहीं। हमने उसको नहीं देखना पे किस साल में हुआ है, बल्कि देखना ये है कि किस साल से रिलेट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक एक्सपेंस 2019 का एक्सपेंस 19 में पे किया, वो तो मसला ही खत्म हो गया ना, उसमें तो कॉन्फ्लिक्ट आता ही नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट कहां पे आ रहा है। ऐसा एक्सपेंस जो 2019 का है या वो 2018 में पे हो जाए एडवांस में, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक जनवरी की सैलरी आपने 18 में पे कर दी, ठीक है, तो वो फिर 18 में पे हुई है लेकिन एक्सपेंस किसका है, तो फिर मुझे उसको कहां लेकर आना चाहिए, 19 में। फिर इसी तरह 19 की सैलरी में 2020 में पे कर रहा हूं, अब वो भी किस में आनी चाहिए लेकिन रिकॉर्ड हो चुकी है 2020 में। तो ये अक्रूवल कहता है कि आपने जिस साल से रिलेट करता है उस साल में आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया। और अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग हम करते हैं वो कैश बेसिस पे नहीं होती, अकाउंटिंग हमारी अक्रूवल बेसिस पे होती है, याद रखना, ठीक है, अक्रूवल बेसिस पे। अब इसकी बेशुमार एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको भी दी है, अक्रूवल में क्या क्या आ सकता है, सैलरीज अक्रूवल हो सकती हैं बिल्कुल, ये जितने यूटिलिटी बिल्स हैं ये भी तो अक्रूवल हो सकते हैं ना। कैसे? क्योंकि जो भाई बिजली बिजली इलेक्ट्रिसिटी सॉरी इलेक्ट्रिसिटी गैस वगैरह जो भी है महीना यूज करोगे तो बिल आएगा ना। मैं दिसंबर का बिल दिसंबर में कैसे पे कर सकता हूं, दिसंबर खत्म होगा
इंटरनेट का भी बिल आते हैं बिजनेसेस में, तो इंटरनेट यूज करोगे पूरा महीना तो फिर बिल दोगे ना, मोबाइल फोन पूरा महीना यूज करोगे तो बिल दोगे ना, ठीक है। ये मैं बिजनेस के अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, बिजनेस में जो यूज होते हैं पोस्ट पेड जिसको कहते हैं, एक तो प्रीपेड होता है ना जो हम लोग यूज करते हैं, आप लोग वगैरह यूज करते हैं जिसमें कार्ड डलवाया चला दिया, एक होता है बिलिंग वाला, वो यूज करने के बाद बिल देना होता है, ठीक है। तो बिजनेस वही चलेंगे ना, तो ये सारे अक्रूवल के कॉन्सेप्ट है। अक्रूवल के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि जो बाद में पे किया, जो एडवांस में पे किया जो वो भी अक्रूवल का हिस्सा है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट का, ठीक है ना। जैसे इंश्योरेंस है कठी पे कर दी साल के, रेंट है कट्ठा पे कर दिया दो साल का, होता है बिजनेस में इसी तरह होता है, वो सारा इसमें शामिल होगा, ठीक है। तो जी इंस्टॉलमेंट नहीं, नहीं इंस्टॉलमेंट का तो इससे कोई तल्लक नहीं, इंस्टॉलमेंट तो वो लाइबिलिटी बुक हो चुकी होती है उसके बाद आप पे कर रहे हो, जैसे लोन है, लोन ले लिया आप पे करते जा रहे हो लोन माइनस होता जा रहा है, उसका तो इससे अक्रूवल से तल्लक ही नहीं बनेगा, वो एक्सपेंस नहीं है, वो लाइबिलिटी थी लाइबिलिटी वापस हो गई। यहां मैं बात कर रहा हूं एक्सपेंस और इनकम दो मुख्तलिफ चीज। ये जो हमें कंपनी सैंपल्स देती है सर, सर उसको तो हम रिकॉर्ड नहीं करते ना, वो उसी में आता है ना मनी मेजरिंग कॉन्सेप्ट में सर। फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ मंगवाई सर, जैसे मेडिसिन ले लें सर, तो सर वो कंपनी सैम्पलिंग के भी भेजती है जिस पर लिखा होता है नॉट फॉर सेल भी अक्सर लिखा होता है। जी जी बिल्कुल, तो सर वो इसी में आएगा ना मनी मेजरिंग कॉन्सेप्ट में सर, उसको तो नहीं हम कर सकते ना रिकॉर्ड। नहीं उसको तो मनी में मेजर कर सकते हैं इसलिए कि हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, स्पेशल पैक बनाते हैं छोटे स्मॉल पैक जो नॉट फॉर सेल वाले उसको निकाल के। जी जी बिल्कुल, जो नॉट फॉर सेल है जब हम लेते हैं तो अपनी, अगर तो हम बना रहे हैं तो फिर, और अगर हमें हम खुद नहीं बना रहे किसी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो फिर यकीनी बात है हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिसीव कर रहे हैं मतलब कंपनी। हाँ जी रिसीव तो करेंगे लेकिन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसकी मनी वैल्यू मेजर नहीं हो सकती, ठीक है जी। चले बस जी बस नमाज।